हाँ यश दुबे बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन के नोट पे आप जा सकते हैं एक बार। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट। बताओ सर इसमें हम लोग वर्क डन बाय एमजी कॉस थीटा क्यों निकाल रहे हैं सर? सर ये कौन क्वेश्चन से नहीं था, कौन सा था। इसके पीछे वाला। हाँ सर यहाँ नोट में। सर आगे आगे कहाँ पर? अरे सर, सर इतना पीछे नहीं, वो वाला क्वेश्चन सर, सेकंड लास्ट। भाई पढ़े लिखे हो ना, आपको वैल्यूज बताओ ना, कौन सा वाला कह रहे हो, स्प्रिंग वाला वो हाँ स्प्रिंग वाला वाला। सर, स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाला एम जी कॉस थीटा का सीधा आएगा ना वर्क डन। सर। लेकिन हम लोग एम जी कॉस थीटा का क्यों निकाल रहे हैं वर्क डन? हम लोग को एम जी का निकालना चाहिए ना। हाँ तो एम जी का ही निकाला, एम जी के दो कॉम्पोनेंट है, साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ ठीक सर। है एंड सर वर्क डन जब हम लोग निकालते हैं सर, तो फिर अगर वर्टिकल में मतलब कोई उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा सर। लेकिन फिर हम लोग को जैसे डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है तो उसका नहीं देखने का है डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल। मतलब सो मतलब मैंने आपको तो पूछा था जो, आपसे हाँ बोलो। कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसके लिए वर्क डन जीरो है, ऐसा है, तो आपने बोला था हाँ सही है। लेकिन सर डाउन द इंक्लाइन भी तो मूव कर रहा है ना, तो उस हाँ तो डिस्प्लेसमेंट के उसमें साथ उसमें कहाँ जीरो है? उसमें नहीं। हाँ सर ठीक है। आप ये देखो ना कि परपेंडिकुलर कौन सा था, वो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा था, ये वाला था डायरेक्शन परपेंडिकुलर, हाँ यस सर। उल डायरेक्शन में तो नहीं है ना। हाँ सर। ठीक है करो कैलकुलेट बच्चों फटाफट। बोलो आर्यन, हाँ ये आपने करा नहीं क्या बच्चे? ये सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल 7 में डाउट है तो अलग से पूछ लेना। अगर आप सिर्फ आंसर दे रहे हो तो गलत है आपका यश दुबे।
लास्ट वन मिनट, अच्छा क्वेश्चन है। ओके ठीक है, दैट्स इट। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? दित्ती माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। क्या दे रखा है? अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ स्लोली लिफ्ट्स द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम अ वर्टिकल पोजीशन टू अ पोजीशन एट विच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद द वर्टिकल, राइट? यस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉब बना दिया, सिंपल पेंडुलम बना दिया रादर, ठीक है, और वो यहाँ तक जा रहा है जहां पे वो एंगल थीटा नॉट बना रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस वेरीड सो दैट एसेंशियली इट इज ऑलवेज इज एसेंशियली इन इक्विलिब्रियम एट ऑल द टाइम। हमारा फोर्स किधर लग रहा है बच्चे? दित्ति, हॉरिजॉन्टल लग रहा है? यस सर। यहाँ पे भी किधर लगेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लगेगा। यहाँ पे मेरा टेंशन किधर लगेगा? इधर लगेगा। यस सर। ये भी एंगल थीटा नॉट होगा, तो ऊपर टी कॉस थीटा नॉट, इधर टी साइन थीटा नॉट, और नीचे एम जी, राइट। अब मुझे और क्या दे रखा है? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एफ इज इक्वल टू वॉट? T साइन थीटा नॉट एंड एम जी इज इक्वल टू वॉट? T कॉस थीटा नॉट, करेक्ट? यस सर। है ना? हेंस F बाय एम जी इज T साइन थीटा नॉट बाय T कॉस थीटा नॉट। F की वैल्यू आ जाएगी एम जी tan थीटा नॉट। ये बात समझ में आई? यस सर। अब मुझसे किसी ने पूछा है क्या वर्क डन बाय एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, करेक्ट? यस सर। एफ एफ की जगह डाल देता हूं एम जी tan थीटा नॉट, ds की जगह देखना बच्चे मैं क्या डाल रहा हूं, dx cos 0। क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या लिखा? नो सर। फोर्स जो है हमारा किधर लग रहा है बच्चे? f हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ले रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल ले लूं तो हमें क्या कहते हैं एंगल कितना हो जाएगा? 0। अब समझ में आई बात? राइट। एज एफ एक्ट्स हॉरिजॉन्टली हेंस डीएस इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल only, right? Yes sir. That is
equal to dx. That's why the angle is 0 degree. Sorted? Yes, sir. तो वर्क डन बाय एफ कितना आ गया? वर्क डन बाय एफ आ गया मेरा एम जी, जो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा नॉट डीएक्स. करेक्ट? यस सर. ओके, अब अपने को इस फिगर से समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं, दोबारा फिगर बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इनका रिलेशन कैसे आ रहा है dx और थीटा नॉट का. ठीक है? ओके. सो एक चीज लिख सकते हैं, बोथ थीटा एंड थीटा नॉट एंड dx आर वेरिएबल, राइट? हेंस कांट बी इंटीग्रेटेड directly, right? Yes, sir. Directly integrate नहीं कर सकते. Okay, तो अब कैसे करेंगे फिर? तो मैंने क्या किया, एक method बताया था आपको, method two starting में, जहां पे हम relation निकालते, correct? Yes. तो मैं इसकी तीन position consider करता हूँ. ये मोशन ऐसा हो रहा है, ये थीटा नॉट है, राइट? यस. अब मैं यहां पर इसको ऐसा नहीं लेते हैं. हम इसको कहीं बीच में लेते हैं, हमारा एंगल यहां पे थीटा बन रहा हो. ओके, यहां पे एंगल थीटा बन रहा है और इवेंचुअल एंगल कितना है बच्चे हमारा? थीटा नॉट. इवेंचुअल एंगल थीटा नॉट है. ये पूरा एंगल है, ये हमारा थीटा नॉट है, राइट? अब यहां पर देखना, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये डीएस है. यस सर. करेक्ट. अब ये डीएस है, ये अगर मैं डीवाई ले लूं, राइट, और ये मैं डीएक्स ले लूं, ठीक है? यस. तो हमारा वो कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी मेरा थीटा होगा. यस सर. प्रूव कर दूं इसको या समझ में आ गया? नो सर, अंडरस्टूड. आपको समझ में आ गया? बहुत सारे हाथ खड़े हो गए हैं. हाँ भाई, माइक ऑन करो. NAPJC 8, ये जिसने सर नंबर दो नंबर, ध्रुव है ये. हाँ ध्रुव सर, फर्स्ट पेज पे डाउट. जिस भी बच्चे को परमिशन दी, एक बार माइक रेज एंड माइक ऑन कर लेना, जब बोलूंगा तब कॉल आउट करना. बोलो सर. ये हेंस के बाद क्या लिखा हुआ है? अरे बच्चे डिवाइड कराया इनको. अच्छा, ओके, कराओ, राइट? हाँ सर. और ये वो थीटा कैसा है वो भी बता दीजिए ना. कौन सा थीटा? वो तो बता रहा हूँ आगे. हाँ वो मुझे पता, वो नहीं आया होगा अभी समझ में, बता रहा हूँ. हर्ष कुलकर्णी बोलो. सर मैं ये पूछ रहा था, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेके वर्क डन निकाला और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, तो सर वर्क डन ले लेंगे वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि थीटा भी तो वेरिएबल है. यस सर. यस है ना? हाँ सर. तो अपने आप आ जाएगा. प्रियांश बोलो. सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे नॉर्मली जब अगर पेंडुलम को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेते हो तब आप mg को रिजॉल्व करते हो, इस केस में हमने t को क्यों रिजॉल्व किया? क्यों रिजॉल्व किया? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ही है. उन्होंने कह रहा है इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. अच्छा, तो एक्सेलरेशन तो कभी आ ही नहीं रहा.
अच्छा तो कभी भी रिजॉल्व कर सकते है ना, कहीं भी कर सकते हो फिर। संकेत बोलो। हेलो सर। सर ये क्वेश्चन में मूवमेंट कैसा दिया है वो बॉब का? यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर वहीं रुक गया क्या? हाँ मतलब एक स्टेट पे रोक रखा है जहाँ पे थीटा नॉट एंगल है, वहां पे देख रहे हैं, वहां पर रुका हुआ है। रुका हुआ है या क्या है पता नहीं मुझे, उन्होंने कहा धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, जब थीटा नॉट होगा तब आप निकाल दो, इसके आगे भी जा सकता है बट थीटा नॉट पे निकाल दो हमारे लिए तो। अच्छा अच्छा राइट सर। और वो थीटा भी कैसे आया पता नहीं, वो बता दो ना। थीटा तो बता ही रहा हूँ, वो मुझे पता है वो नहीं आएगा। यस सर। कौन है दुबे जी बोलो। सर वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया आपने? लेंगे ना, वो अपने आप टैन थीटा के साथ काम हो जाएगा ना। राइट नहीं सर कैसे मतलब समझा नहीं भाई। लड़के फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल में लग रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लिख दिया, डीएक्स भी हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, वो थीटा वेरिएबल है। हाँ सर। तो वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल वाला भी आ जाएगा अपने आप, आपको क्या लेना देना, फोर्स लिखो डिस्प्लेसमेंट लिखो। राइट हाँ सर। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन के लिख दोगे तो एंगल जीरो आ जाएगा, तो लिख दिया। अब वो थीटा नॉट वेरिएबल है, डीएक्स वेरिएबल है, तो उसमें अगर वर्टिकल आना होगा तो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। दिखाता हूं मैं अभी आपको, ठीक है? हाँ सर। आदिन कुछ बोलना है? सर वी विल नॉट रिजॉल्व द फोर्स इन कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, मैंने क्या किया है, एक्स और वाई एक्सिस हमारे नॉर्मल लिए हैं, इसलिए जरूरत नहीं है इसको रिजॉल्व करने की। राइट अच्छा अब सुनना दित्ती, ये एंगल थीटा कैसे है? ऊपर यहां समझा रहा हूं, इसी जगह ऊपर इस जगह ये एंगल थीटा है। राइट यस सर। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यस सर करेक्ट। तो यहां पे एक टेंजेंट बनेगा इसके परपेंडिकुलर जो आएगा, इसके परपेंडिकुलर ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। यस सर। हमने भी यहाँ पे ये जो बनाया ग्रीन वाला पार्ट जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये ग्रीन वाला पार्ट ये टेंजेंशियल टू रेडियस हो गया। यस सर करेक्ट। अगर ऊपर से समझ में नहीं आता बच्चों को तो मैं नीचे से समझा रहा हूँ, नीचे से भी देख लेना। दुबे जी ये देखना, ये एंगल थीटा ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। आई बात समझ में? किसी बच्चे को अभी भी एंगल में डाउट है तो रेज हैंड कर देना। ओके आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। तो ये एंगल थीटा हो गया और ये डीएक्स हो गया। So, यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, यहां पे मैं देख सकता हूं tan theta is equals to dy by dx which implies है ना dx tan theta is equals to dy। ओके अब as work done by F is mg tan theta naught dx, so this implies work done by F is equals to mg integration of dy, because dx tan theta is equals to dy. Right Ditti? Yes sir, but what theta naught and theta? याद एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो मैंने लिया था ठीक है, इसको भी मैं किसी थीटा के लिए लिख देता हूँ अगर इतना वो आ रहा है तो, ठीक है? तो अब आपको क्या होगा कि वो वेरिएबल है ना। यस सर। तो थीटा नॉट हटता जाएगा अगर वहां पे दिक्कत आ रही है तो, ठीक है? तो एम जी टेन थीटा, थीटा वेरिएबल है। यस सर। हाँ। इसकी जरूरत ही नहीं है फिर हमें, ठीक okay. है हाँ। अभी ठीक है। बिकॉज ब्रैकेट में लिख सकते हैं dx tan theta is equals to dy, करेक्ट? यस। तो वर्क डन बाय f कितना आ जाएगा,
एक सेकंड याद ही पड़ा हो गया, वर्क डन बाय एफ आ जाएगा मेरा एम जी इंटू वाई, राइट? यस सर। वाई इनिशियल से लेकर वाई फाइनल तक, करेक्ट? यस। यहां तक किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर देना बच्चों। अब मुझे वाई इनिशियल और वाई फाइनल चाहिए, ठीक है? दैट्स द एजेंडा दित्ती। यस सर। ये मेरी एक लाइन है और ये मेरी एक लाइन है, करेक्ट? यस। हाँ ध्रुव बोलो। ध्रुव ध्रुव बोलो भाई। अच्छा सर मैं नहीं हूं, कोई और ही है वो। ओके एनीवे छोड़ दो। सर दिस इज जूही। अरे मैं ये कह रहा था कि वो बच्चे को दिक्कत ये आ रही थी कि सर थीटा नॉट में क्या हो रहा है, तो मैंने कहा किसी भी थीटा के लिए निकाल देते हैं ये चीजें और एंड में उसको थीटा नॉट के लिए जनरलाइज कर देंगे, इसलिए थीटा नॉट को हटाया जूही मैंने, राइट? तो अभी मैं थीटा नॉट के लिए जनरलाइज करते जा रहा हूं, देखते जाना। दित्ति yes, हमने इनिशियल लाइन ली है, राइट? ये yes. मैंने फाइनल ली है, यहां पे मैं ले लेता हूं लेट वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? yes, sir. और अगर मैं ये हाइट एच लेता हूं तो दिस इंप्लाइज y फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, करेक्ट? यस सर। तो ये तो मेरा हो गया जीरो और ये हो गया मेरा h, h गिवन नहीं है ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, तो आंसर हाँ. कितना एम जी एच माइनस जीरो, सो वर्क डन बाय f कम्स आउट टू बी एम जी एच, बट अगेन h इज व्हाट, नॉट गिवन, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा देखते जाना दीप्ति। yes. इसको पॉइंट ए लिया, इसको बी लिया और इसको सी लिया, राइट? ये 90 डिग्री है, हमें गिवन है एसी इज इक्वल टू एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो yes. क्या ये मेरा एल कॉस थीटा नॉट हो जाएगा? यस सर। दिस इज बेस ऑफ राइट ट्राइंगल एबीसी, करेक्ट? यस सर। अगर ये एल कॉस थीटा नॉट हो गया तो फ्रॉम फिगर व्हाट आई कैन राइट है ना, हमारा जो एच है एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट। यस सर। दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय फोर्स एफ विच इज इक्वल टू व्हाट एम जी एच, तो एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, दैट्स द आंसर। ऑटोमेटिकली वाई वाला इंक्लूड हो गया और थीटा नॉट के साथ वेरिएबल होना था तो वाई में भी ऊपर गया है, जो भी अपने आप आ गया सब कुछ। इसीलिए स्टार्टिंग में मेथड टू बता दिया था कि भाई ऐसे भी करते हैं छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, उस पर दिमाग लगाओ तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ भाई आकर्षित। सर ये तो क्वेश्चन में लिखा है कि एफ का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है ताकि हाँ? वो इक्वल हाँ तो कर रहा है ना, एम जी कितना निकला एफ का मैग्नीट्यूड, स्टार्टिंग में लिखा एम जी टेन थीटा, थीटा वेरिएबल है। ओके सर, और सर इसका कोई और वे नहीं है सम का? यही है सिंपलेस्ट तरीका सॉल्व करने का। ओके सर। ओके इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो वर्क डन नहीं एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां से भी निकाल सकते हो, बट टी भी वेरिएबल है, नहीं निकाल पाओगे, यहीं से ऐसे ही निकाल पाओगे, ठीक है? ओके सर। किसी को कोई और डाउट? दीप्ति यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। ओके तो मैं अभी आज आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे,
प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, डिफिकल्टी क्या लेवल है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बच्चों नोट देखते हैं अब जो मेरे आगे काम आने वाला है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। हेलो सर। हाँ भावेश बोलो। सर आपने जो mg tan theta लिया था तो वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में चाहिए था ना into ds ऐसा। तो आपने dx लिया है तो mg tan theta तो हॉरिजॉन्टल है और dx इधर ले रहे अपन तो डिस्प्लेसमेंट में तो ds चाहिए था ना dx अगर, ऐसा मेरे कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं क्यों होगा, mg tan मैंने फोर्स को लिख दिया किधर, इतनी वैल्यू लिख दी मैग्नीट्यूड। यस सर। डायरेक्शन कितना है फोर्स का? हॉरिजॉन्टल। तो ds का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। और cos थीटा नॉट, और वो बाद में ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा राइट सर। सर आपने वो cos थीटा नॉट लिखा है क्या, cos 0 लिखा है? cos 0 डिग्री लिखा है बच्चे। cos 0 डिग्री। ओके ओके। शुभम बोलो। तो वो नेक्स्ट पेज पे जाओ ना सर। इस पे आपने सर ये WF is equal to mg integration of tan theta dx है ना सर, वहां से एक बार वापस समझा सकते हो प्लीज? tan theta dx को मैंने dy से रिप्लेस किया है जो मैंने यहाँ से निकाला है राइट। तो mg dy को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, dy का इंटीग्रेशन y आएगा, y इनिशियल से लेके y फाइनल तक। y इनिशियल इनिशियल लाइन मैंने कौन सी ली है, ये वाली लाइन ली है तो वहां पे जीरो है। फाइनल लाइन मैंने ये ली है तो y फाइनल की वैल्यू h हो जाएगी। h को मैंने ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लिया है, ये मैंने बताया। ओके अब लेक्चर के एंड में पूछना अगर हो गया तो, आपका मतलब डाउट है तो, क्योंकि ये मैं आगे पहुंच चुका हूं तब पीछे पूछ रहे हो तो लेक्चर के एंड में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट इज वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इन डिफरेंट फ्रेम displacement can be different. Simple example है, train चल रही है और मैं train में खड़ा हुआ हूं। There are two observers, एक train में मेरे साथ मेरा दोस्त है और एक मेरे मतलब father, let's say station पे खड़े हैं। अब train चल रही है तो ट्रेन चल रही है तो जो स्टेशन पे खड़ा हुआ है उनके रिस्पेक्ट में ट्रेन के साथ साथ अगर मैं वॉक कर रहा हूं अंदर तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ट्रेन का प्लस मेरा वॉक करने वाला। जबकि मेरा जो फ्रेंड है जो ट्रेन के अंदर मेरे साथ है उसके रिस्पेक्ट में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना मैंने सिर्फ वॉक किया। तो अलग अलग फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है तो वर्क डन अलग अलग आएगा। जहां तक कोई डाउट अपन क्वेश्चन करेंगे अब इस पर। ओके सो यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। दीज ऑल आर गुड क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्लास में ही करा रहा हूं। सॉल्व करो बच्चों।
अरिंजय गलत है। नहीं गलत है ये। अनुष आपने कुछ लिखा है बट नहीं चमक रहा है मुझे पूरा प्रॉपरली, क्या लिखा है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। लास्ट वन मिनट फिर करेंगे डिस्कस। ओके रीरन करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ वीरती। यस सर। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड इंक्लूडिंग वीरती। कैसे प्रोसीड करेंगे? हाँ वीरती बच्चे। हाँ सर, वो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्योंकि रिलेटिव मोशन रोकना है, और नीचे वाले ब्लॉक पे आगे लगेगा। परफेक्ट।
और एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, इट्स वैल्यू सच दैट द ब्लॉक बिकम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक बिफोर इट रीचेस द अदर एंड. ठीक है, तो इसका यूज करूंगा मैं, आपने जो बात बोली वहीं से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन इसका FBD बना लेते हैं, है ना. स्मॉल m का FBD बनाऊंगा, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद FBD. पीछे लगेगा f काइनेटिक विच इज म्यू टाइम्स n. ठीक है, ये हमारा ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया. करेक्ट, तो पीछे की तरफ लगेगा ए रिटार्डेशन. इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वी, इनिशियल वेलोसिटी. करेक्ट, so this implies what I can write, n is equals to mg, f kinetic is equals to what, mu n, which is mu mg, right? Yes sir. Okay, so this implies a retardation, which is f, which is equals to f kinetic by small m, is equals to mu g. Correct. So this will decrease velocity of small m till its velocity becomes equal to till its velocity is equal to velocity of Planck. Velocity of Planck, very good. क्योंकि वहाँ relatively rest पे आ रहा है और Planck की velocity zero नहीं होगी. Planck की velocity zero क्यों नहीं होगी? FBD of Planck पहले बनाया था, FBD of m. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी ले सकता हूँ. अब बना रहे FBD of Planck. तो प्लैंक पे ये कैपिटल एम है, यहां पे फ्रिक्शन आगे लगेगा म्यू टाइम्स स्मॉल एम जी. राइट, तो ए लगेगा आगे, दैट इज फ्रिक्शन बाय कैपिटल एम, म्यू स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम. करेक्ट, राइट. यस सर. अब क्या देख सकते हैं, v कैपिटल m इज इक्वल टू u कैपिटल m प्लस a कैपिटल m t. तो v कैपिटल m इज इक्वल टू जीरो प्लस a कैपिटल m कैन बी रिटन म्यू स्मॉल m g बाय कैपिटल m इनटू t. तो vm आ जाएगा मेरा म्यू m g by capital M into T, where T is time taken by small m, taken by M to reach other end of capital M. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहां तक क्लियर है दीति? आकर्षित रेज हैंड किया. हाँ बोलो भाई आकर्षित. सर टी तो वो टाइम होना चाहिए ना कि जब उन लोग की वेलोसिटी सेम हो जाए ना कि. हाँ तो सेम वेलोसिटी कब हो रही है, जब वो एंड पे पहुंच रहे? नहीं सर, उससे पहले हो रही है ना. क्यों हो रही है? लिख रखा है स्टेशनरी.
रीच जस्ट रीच करने वाली कंडीशन है राइट ओके सर है ना ये यहां तक बात समझ में आती है तो अब यहां तक क्लियर है ये वेलोसिटी ऑफ एम आ गया ऑल्सो वी स्मॉल एम इज इक्वल टू यू स्मॉल एम प्लस ए स्मॉल एम टी राइट दीप्ति वी स्मॉल एम इज इक्वल टू वी कैपिटल एम जिसको मैंने कितना निकाला अभी हमारा वी कैपिटल एम आया म्यू स्मॉल एम जी टी बाय कैपिटल एम राइट सो दिस इंप्लाइज म्यू स्मॉल एम जी टी बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू वी माइनस इसका एक्सेलरेशन आया था म्यू जी टी करेक्ट ये आया था एक्सेलरेशन म्यू जी आया था राइट तो यहां से हम एक साइड ले जाते हैं टर्म्स को टी की वैल्यू निकाल लेते हैं सो म्यू जी टी कॉमन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस वन इज इक्वल टू वी सो म्यू जी टी इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाय कैपिटल एम वी यहां से टी की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी कैपिटल एम वी बाय म्यू जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम राइट यस सर तो जो टी वेरिएबल था उसको भी मैंने निकाल लिया है ठीक है राइट अब टी अगर वेरिएबल निकाल लिया है तो टी को सब्स्टिट्यूट करके मैं फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकता हूं दोनों की यस सर सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग टी we can get final velocity of small m and capital M. तो v small m is equals to v capital M जो मैंने अभी निकाला था कितना था mu mg t था mu small m g t by capital M था correct तो कितना yes. आ जाएगा mu mg by m capital m t की जगह क्या डालूंगा बच्चे capital mv by mu g small m plus capital m right ये करते ही अब मेरे कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो रहे कौन कौन से mu g कैंसिल हो रहा है capital m कैंसिल हो रहा है तो यहां से v small m v capital M equal to क्या आ रहा है बच्चे small m v by small m plus capital M आई क्या बात समझ में yes sir okay अब हमारे यहां तक क्लियर है मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में क्वेश्चन में निकालना है मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द पीरियड इट स्लाइड्स ठीक है बी पार्ट में कैलकुलेट वर्क डन बाय द प्लैंक ड्यूरिंग द सेम पीरियड ठीक है तो अब मेरा काम हो गया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू व्हाट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो एज वी नो वर्क डन नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा के work done net will be equal to work done by friction only delta ke because mg and n are perpendicular to displacement hence their work done is equal to zero right yes sir so that's isliye main itna velocity pe focus kiya ki velocity kya hoga aur uske baad calculate kiya to velocity aa chuka hai to now ab kar dete first part for small m
वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ स्मॉल एम वी एम स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट? तो हाफ एम कॉमन, स्मॉल एम सॉरी वी एम कितना निकाला हमने, एम वी अपॉन एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। है ना, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व फर्दर। सेकंड, फॉर कैपिटल एम वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू व्हाट, हाफ कैपिटल एम वी एम स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो का स्क्वायर, राइट? इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, करेक्ट? तो हाफ कैपिटल एम वी एम की जगह डाल दूंगा एम वी बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, ये मेरा टू आ गया। इसको भी सॉल्व फर्दर कर लेना, ओके। थर्ड पार्ट क्या है, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन नेट बाय फ्रिक्शन, तो क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एफ ऑन स्मॉल एम प्लस वर्क डन बाय एफ ऑन कैपिटल एम, कर लोगे? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट, बोलो निशिम। सर, सर मैं ये कंफर्म कर रहा खाली कि अगर हम लोग ऐसे कर सकते क्या, वो जो ब्लॉक है ब्लैंक सॉरी ब्लैंक है उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकाले फिर उसको एल से ऐड करें और फिर फ्रिक्शन वो फिर है ना वो वर्क डन निकाले जो चलेगा ना वो फ्रिक्शन का वर्क डन, करेक्ट है ना वो भी सर? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको उसका एक्सेलरेशन पता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो क्या कैसे निकालोगे, टाइम निकालना पड़ेगा। निशिम माइक ऑफ कर दिया यार। हाँ सर बोलो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। यस सर। या तो s = ut + half at square लगाओ या v square माने u square = 2s लगाओ। यस सर। ओके, तो v तो पता नहीं है, v तो मैंने ही निकाला है, या तो v निकालो या t निकालो, तो वो तो करना तो मेरा काम पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ सर, वो करना ही पड़ेगा सर। तो फिर उसके बाद फिर f dot s लगा के कोई फायदा ही नहीं है। हाँ सर, लेंदी हो जाएगा मेथड, नहीं सब बेटा लेंदी होगा सर, बस ऐसे ही कंफर्म कर दो वो करेक्ट है ना वो भी। भावेश बोलो बच्चे, प्लीज स्विच ऑन योर माइक भावेश। सर ये सभी कर सकते क्या, अगर हम m के फ्रेम में गए तो m मतलब m की वेलोसिटी v दिखेगी और उसने l डिस्प्लेसमेंट की और बाद में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ब्लैंक, विद रिस्पेक्ट टू ब्लैंक सर। ठीक है, और फिर उसको सूडो फोर्स लगा बैकवर्ड और फिर उसका फ्रिक्शन, अगर हम m के प्लैंक के रिस्पेक्ट में गए तो फ्रिक्शन भी बैकवर्ड लगेगा तो फिर और फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक और वैसे इक्वेशन लगा के वही आएगा क्या सर, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक आ जाएगा आपका, सूडो का निकालना पड़ेगा। यस सर, यस सर, है ना, और फ्रिक्शन का निकालोगे और yes, दोनों का वर्क डन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल ले लेना। हाँ ठीक है, बट उससे आप रिलेटिव निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। यस सर, यहाँ पे रिलेटिव नहीं निकालना है, ग्राउंड के फ्रेम में निकालना है। ठीक है, है ना, थैंक्स सर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक टॉपिक पढ़ लेते हैं अब, दैट इज, या मैं और क्वेश्चंस करा दूं? ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाला हूँ इस वीक, मोस्टली सैटरडे वैटरडे को, जो हमारा कल कैंसिल हुआ था, देखता हूँ, मतलब मैं बताऊंगा आप लोगों को कब होगा। क्वेश्चन करें, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो टाइम तो लगेगा।
मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दे दी थे आप लोगों को? हाँ, आज तो है इवनिंग में लेक्चर बच्चों, 1 to 5 दिया था ना मैंने। सेवन टू इलेवन भी दिया था। एचसीवी में कहां तक दिया था? एचसीवी दिया था मैंने 8 to 18, राइट। थर्टी वन सॉल्व करो। बच्चों आप टीडब्ल्यूटी की का टेंशन मत लो, पेपर इज गोइंग टू बी सिंपल और जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा। I cannot rush up with work power energy. Work power energy, center of mass, collision, rotation. ये ऐसे चैप्टर हैं जहां पे मेरे को चैप्टर के बीच में लॉज ऑफ मोशन की तरह क्वेश्चंस अगर मैंने नहीं कराए तो टॉपिक नहीं समझेगा। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होने लग जाती है बिकॉज पुराना बहुत सारा अप्लाई होने लग जाता है। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा वर्क पावर एनर्जी का 27 December तक। इनफैक्ट मुझे पता है कि जो हमारा वो होगा मेजर टेस्ट उसमें भी सेंटर ऑफ मास कोलिजन पूरा नहीं आएगा। ओके, डोंट वरी।
लास्ट वन मिनट करेक्ट है अरेंज है वीरती गलत है बच्चे अरेंज है सही है आपका आंसर आकर्षित गलत है 0.09 गलत है राज पाटिल गलत है यश दुबे अप्रोक्सीमेटली सही है आपका जने 0.11 नहीं है 0.12 है आंसर इज 0.12 अनुष दैट इज करेक्ट चलो रेज हैंड करो कौन करेगा डिस्कस आर्यन आप माइक ऑन कर सकते हो तो डिस्कशन के टाइम पे क्यों नहीं करते हो हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ सर वो कभी भी मैसेज में काम चल जाता है उसके लिए कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी इज फाउंड टू हैव स्पीड 0.3 मीटर पर सेकंड आफ्टर इट हैज डिसेंडेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 1 केजी 1 मीटर से जा रहा है तो मुझे पहले तो ये बताओ इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा निकाल सकते हो क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से वेरी गुड क्लियर है तो मैं एक चीज यहाँ लिख सकता हूँ अगर इसको मैं पी वन कहूँ तो एस पी वन इज इक्वल टू एस वन के जी ठीक है सर और पाओ का कॉन्सेप्ट ऊपर वाला सर हो गया नीचे पाओ हो गए अगर मैं यहाँ पर टेंशन टी ले रहा हूँ तो यहाँ भी टेंशन टी होगा यहाँ भी टेंशन टी होगा राइट right. यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट व्हाट आई कैन राइट है ना टी एस फोर कॉस जीरो प्लस टू टी एस वन एस पी वन कॉस 180 क्योंकि ये तो नीचे जाएंगे हाँ सर इज इक्वल टू जीरो तो यहां से एस फोर की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एस पी वन विच विल बी ट्वाइस ऑफ एस वन के जी दिस विल बी टू इंटू वन इक्वल टू टू मीटर करेक्ट तो यहाँ पे मेरा 4 kg का डिस्प्लेसमेंट आ गया यार आपका माइक परेशान कर रहा कोई और रेज हैंड करो उसने माइक भी ऑफ कर लिया क्योंकि आकर्षित आपने पहले रेज हैंड किया था आपको करना है इज नॉट रेजिंग हैंड ठीक है यश माइक ऑन करो हेमंग माइक ऑन करो ये तो बच्चे आई एम ऑडिबल टू यू
यस सर आई गेस यस हां तो ये 2 मीटर आ गया बच्चे हाँ. है ना अब मुझसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है अब हाँ, ये बताओ कि कैसे करेंगे आगे कैसे करेंगे सर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करके वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज करके परफेक्ट है ना अब कौन-कौन वर्क डन करेगा ये बता दो वर्क डन फ्रिक्शन करेगा सर और काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड करके उसे काइनेटिक टेंशन वर्क डन नहीं करेगा हां सर टेंशन भी करेगा सर इधर ही एरर हुआ तो अब टेंशन भी करेगा अभी आंसर नहीं आया ना आपका तो अब देखना स्टार्ट पॉइंट लिख रहा हूं फॉर सिस्टम अगर मैं सिस्टम ले लूं 1 kg प्लस 4 kg वर्क डन बच्चों एक मिनट ये टैब फ्रीज हो गया है मैं रीकनेक्ट करता हूं अभी आवाज आ रही है हिमंग यस सर जस्ट अ मिनट मैं ये कह रहा था अगर हम सिस्टम ले लें हाँ सर तो सिस्टम के लिए कितना वर्क डन करेगा टेंशन जीरो ये बात समझ में आती है हाँ सर तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर हम मैं लिख नहीं रहा हूं अभी कुछ क्योंकि वो स्क्रीन फ्रीज था ठीक है अभी दिखेगी आपको स्क्रीन तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है क्योंकि मुझे टेंशन का भी वर्क डन लिखना पड़ेगा मैं ये नहीं चाहता हूं कि यार मेरा काम ज्यादा हो तो मैं काम अगर कम करूंगा तो मेरा हो जाएगा वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो जाएगा ये मैंने लिख दिया राइट हाँ सर अब तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वर्क डन नेट सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई सिस्टम करेक्ट हाँ सर डेल्टा के ही सिस्टम लिखते टाइम हम क्या क्या चीज एक सेकंड सबसे पहले मैं सिस्टम बना देता हूं ये मेरा 4 kg है नीचे क्या लगेगा 4g ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगेगा फ्रिक्शन ठीक है यस सर ये मेरा इंटरनल फोर्स हो गया इंटरनल फोर्स अगर मैं 1 kg का बनाऊंगा एफपीडी तो यहां पे मेरा आ गया 2t और ये भी मेरा इंटरनल फोर्स हो गया नीचे क्या लगेगा 1g ठीक है अब स्टार पॉइंट अगेन वर्क डन बाय n इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय 4g is equals to zero because theta is equals to 90 degree क्योंकि इसका displacement जो हो रहा है वो right में हो रहा है और इसका displacement S4 और इसका displacement हो रहा है नीचे S1 right ठीक है तो this implies work done net is equals to work done by friction on 4 kg plus work done by 1g on 1 kg करेक्ट हाँ सर तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg प्लस वर्क डन बाय क्या कहते हैं 1g कितना आएगा 1g डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 mgs cos
जीरो डिग्री, जीरो डिग्री हाँ सर। इक्वल्स टू वर्क डन नेट, तो वर्क डन नेट आ गया मेरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg प्लस 10, राइट सर। वर्क डन ऑन वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg भी फाइंड कर सकते हैं ना? हाँ, हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में उन्होंने, वर्क डन फ्रिक्शन का नहीं फिगर आउट कर सकते ना, म्यू की वैल्यू अननोन है, वही तो निकालना है म्यू के टर्म्स में सर, मतलब हाँ म्यू के टर्म्स में निकाल लेंगे, राइट। आप कह रहे हो तो लिख देता हूं मैं, इसको मैं लिख देता हूं म्यू 4g इनटू व्हाट, कितना आया था 2, हाँ सर। फ्रिक्शन इज नेगेटिव साइन है म्यू 4g, हाँ कर दो और s इज 2 एंड थीटा इज 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ माइनस साइन आएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा, माइनस 8 म्यू जी आ जाएगा, या माइनस 80 लिख दो, 80 म्यू, ठीक है। अब मेरा आ गया के ई इनिशियल सिस्टम 0, दोनों रेस्ट पे थे हाँ सर, राइट। के ई फाइनल सिस्टम 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v4 स्क्वायर, राइट। ऐसे ऐड हो जाता है, ऐड अप हो जाता है काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम स्केलर क्वांटिटी है ना, अच्छा ओके सर, है ना। तो 1/2 m1 और m4 करेक्ट, आल्सो फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, हमारा v4 कितना होगा बच्चे, ट्वाइस ऑफ v1 होगा हाँ सर, एंड as v1 इज 0.3 कितना दे रखा है, 0.3 मीटर पर सेकंड, दिस इंप्लाइज v4 कितना आ जाएगा, 2 × 0.3 दैट इज 0.6 मीटर पर सेकंड, करेक्ट हाँ सर। तो दिस इंप्लाइज के ई फाइनल सिस्टम 1/2 मास की जगह क्या डालूंगा, m1 की जगह 1, 0.3 का स्क्वायर प्लस 1/2 मास की जगह इधर डालूंगा 4, 0.6 का स्क्वायर, समझ में आ रही है क्या बात, के ई सिस्टम कितना आ जाएगा, डेल्टा के सिस्टम, इसको सॉल्व करेंगे 0.9 by 2, इसको सॉल्व करेंगे 0.36 × 4, तो 4 ये आ जाएगा, राइट। कर लोगे सॉल्व, आ गया बच्चों, राइट। किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर देना, हाँ हेमंग क्लियर है, हाँ सर। राज बोलो सर, हम ऐसा भी कर सकते थे ना कि सिस्टम कंसिडर ही ना करे और बस 4 kg का ब्लॉक को कंसिडर करे, तो फिर टेंशन का वर्क डन लिखना पड़ता ना, फिर टेंशन तो हम इक्वेशंस बनाकर भी निकाल सकते थे ना, दो इक्वेशन निकाल सकते थे, टेंशन निकालना पड़ता, फिर भी बाद में भी डेल्टा के ई की इक्वेशन तो लिखनी पड़ती, राइट, क्योंकि म्यू नहीं पता सर, करेक्ट? मतलब 4 kg के ब्लॉक को लिया और फिर उधर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो जाएगा, अरे समझ ही नहीं रहे हो आप बात को, यहाँ टेंशन लिखा राइट, पीछे क्या लगाओगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगाओगे करेक्ट, हम्म, अब फ्रिक्शन लगाओगे तो फ्रिक्शन म्यू एम जी है, yes, sir. ये म्यू अननोन है, ये yes, निकालना sir. है, टेंशन आपने कहा कि मैंने निकाल लिया, yes, sir. कैसे निकाला ये बताओ,
सर मतलब टेंशन भी म्यू के टर्म्स में आएगा ना? टेंशन म्यू के टर्म्स में आ जाएगा, करेक्ट? यस सर प्रॉब्लम समझ में आई बात? यस सर। और फिर उसके बाद म्यू तो अननोन है, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे फिर? डेल्टा के ही करेंगे। यस सर। डेल्टा के ही के लिए डेल्टा के ही पता है, तो वहां से निकाल सकते हो आप। यस सर वही बोल रहा था। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? यस सर। ओके, यस दुबे बोलो। सर मैंने मतलब पहले वो 1 kg वाले ब्लॉक से टेंशन निकाल लिया, फिर इधर वो फोर्स वाला इक्वेशन बना। अरे भाई निकाल नहीं सकते आप टेंशन 1 kg वाले ब्लॉक से। सर क्यों, कैसे निकालोगे आप ये बताओ। सर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस 2t, वो इक्वेशन से निकाल। हां और एक्सेलरेशन कितना है? सर एक्सेलरेशन v2 इज इक्वल टू u2 प्लस 2as से फाइंड किया था। v square is equals to u square plus 2as. u square plus 2as, ठीक है। हाँ सर। तो फिर v आपने लिया 0.3 initial zero लिया। Yes sir। हाँ सर। आपने ठीक है। सर तो वैसे जल्दी आ गया, मतलब 2 step में ही आ गया। हाँ ठीक है, that is correct। Okay sir। इसके आगे आप solve कर लोगे बच्चों? मैं जब सोल्यूशन भेजूंगा तो आपको मिल जाएगा आगे, ठीक है? यहां तक समझ में आया? आज इवनिंग का लेक्चर सर्कुलर मोशन के ऊपर है, ठीक है? तो प्लीज अटेंड कर लेना, 3 or 4 एक्सरसाइज डिस्कस होगी। हाँ हेमंग बोलो। सर फिर तो ये सब हम लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं ना? हाँ सारे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से कर सकते हैं, जहां पे वेरिएबल नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं, हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं आएगा, राइट? यहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है मतलब। हाँ उस जगह कर सकते हो लॉज ऑफ मोशन में, नहीं तो फिर इंटीग्रेट करके। अगर आप देखो तो वर्क डन, जो वर्क पावर एनर्जी है, जो बच्चे मतलब समझना चाहते, वर्क पावर एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन एक ही चीज है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा है, राइट? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो लिख ही रहे ना हम सारे, तो दिस इज जस्ट अ नेक्स्ट स्टेप। तो आप प्रीवियस स्टेप पे भी जाके कर सकते हो, बट हाँ आपको निकालना तो पड़ेगा यहाँ पे। हाँ सर वो तो है ना, वैसा। चलो इवनिंग में हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे।